ओके सो लास्ट जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने दो प्रिपरेशंस देखी थी, अल्किन और अल्किन में से फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन और अल्किन में हैलोजन एसिड या हैलोजन का एडिशन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एसिमेट्रिक होगा, मार्कोनिकोब से फॉलो करेगा और अगर एच बी आर पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोब से जाएगा। जो थर्ड प्रिपरेशन था वो देखा था हमने फ्रॉम अल्कोहल्स जो चल रहा है, मैंने बोला था उसमें से चार प्रिपरेशंस है। सो फर्स्ट हमने देख लिया था अल्कोहल का HCl ZnCl2 विथ मैकेनिज्म। ओके अभी अल्कोहल की और तीन प्रिपरेशंस, अल्कोहल से और तीन प्रिपरेशंस टू मेक हैलाइड। ROH प्लस PCl3 फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड तो भी बनेगा अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। उसके बाद थर्ड है अल्कोहल का PCl5। अच्छा ये PCl3 की जगह पे PBr3 भी दे सकते हैं तो आपको मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन PBr5 जो होता है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है बिकॉज ब्रोमीन की साइज बहुत बड़ी है, सो उसका ऑक्सीडेशन पावर वीक होता है। फॉस्फरस को प्लस 5 में लेके जाना उसके लिए टफ होता है, जिसकी बात हम पी ब्लॉक में करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अल्कोहल प्लस PCl5 अल्काइल हैलाइड प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है फोर्थ नंबर का फ्रॉम अल्कोहल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोसेस का नाम है डार्जन्स प्रोसेस और ये एग्जांपल है SNI का। SNI इज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इंटरनली, बाहर से नहीं बट इंटरनली ही फॉर्म होता है और जो अटैक करता है, सो इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अल्कोहल प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडिन। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड, सो RCl प्लस बाई प्रोडक्ट्स SO2 और HCl। एक और चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि ये चारों जो प्रिपरेशंस देखी HCl, ZnCl2, PCl3, PCl5 और SOCl2, द बेस्ट वे इज SOCl2। द रीज़न इज यहाँ पर दोनों के दोनों जो बाई प्रोडक्ट है ना वो गैसियस है, गैस से मतलब एस्केप हो जाएंगे बाहर और एस्केप हो जाएंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ मूव करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। सो अकॉर्डिंग टू ली शेटेलियर भी ये बहुत काम का है, आपको ज़्यादा अमाउंट में यील्ड मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा भी, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड विथ थ्री प्रिपरेशंस, नाउ प्रिपरेशन नंबर 4। ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके फिंकलस्टीन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज है, आयोडाइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। ओके हैलोजन से हैलोजन, हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करके हैलाइड आएगा। आई माइनस इसलिए बना सकते हो बिकॉज आई माइनस बाकी तीन हैलोजन की कंपैरिजन में सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। सो Cl हो या F हो सबको निकाल सकता है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एसीटोन। सो NaCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और आयोडाइड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर एसीटोन का रोल क्या है, तो सोडियम आयोडाइड जो है ना उसका नेचर कोवेलेंट होता है क्योंकि आई माइनस है, ठीक है, फजान्स रूल के अकॉर्डिंगली ये कोवेलेंट नेचर रखता है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल हो जाएगा, तो इसके लिए सॉल्वेंट का काम है। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड पे बाई प्रोडक्ट NaCl मिलेगी, ये आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए ये एसीटोन के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा, इनसॉल्यूबल रहेगा, दैट मीन्स कि प्रेसिपिटेट बनाएगा और प्रेसिपिटेट बनाएगा तो अच्छा है, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे इसलिए आपके लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना बहुत आसान है, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट मतलब स्टेबल हो गए और स्टेबल है मतलब स्टेबल प्रोडक्ट अगर बननी है तो रिएक्शन का ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड जाना तय है। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा भी है, कैसीटोन हेल्प्स इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl, ठीक है। चलो अगला प्रोसेस है, अब तक हमने फ्लोराइड नहीं बनाया, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड बनाते चले गए,
अगला जो प्रिपरेशन है वो फ्लोराइड के लिए है, ये भी एक नेम रिएक्शन जिसका नाम है स्वार्फ प्रोसेस फॉर फ्लोराइड्स, क्योंकि फ्लोराइड डायरेक्ट बनाना बहुत टफ है एंड अल्केन का हेलोजिनेशन करना FRF तो बहुत टफ टास्क है बिकॉज वहाँ पर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज हेलोजन फ्लोरीन जो है वो हाईली फोटो सेंसिटिव होता है, जो मैंने मैकेनिज्म के अंदर बताया भी था। ठीक है, चलो इथाइल क्लोराइड प्लस, यहाँ पर फ्लोरीन को इंसर्ट करने के लिए आपके पास फोर कंपाउंड्स हैं, आप कोई भी एक ले सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड और सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, और ये क्लोरीन को एक्सचेंज करके फ्लोरीन यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ये लेस रिएक्टिव मेटल्स सबके सब, तो उनका क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा, दैट मीन्स कि दे आर मोर स्टेबल, दे हैव हाई लेटाइस एंथैल्पी एंड दैट्स वाई यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक लेवल का रिएक्शन स्वार्फ प्रोसेस। चलो हमारा अगला प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन नंबर 6। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक लेवल पे शायद नहीं है, इसका नाम है हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर स्पेशली फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। यहां पर सबस्ट्रेट लिया जाता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, मींस यहां पर मैंने लिया है सिल्वर प्रोपेनॉइड। ओके, या तो ले सकते हो क्लोरीन या तो ले सकते हो ब्रोमीन, दोनों ले सकते हो। सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राफ्लोराइड और प्रोसेस है रिफ्लक्स। डीकार्बोक्सिलेशन भी बोला जाता है बिकॉज यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर। सो सिल्वर की है ना हेलोजन के साथ बहुत बनती है, क्योंकि सिल्वर के हैलाइड इनसॉल्यूबल होता है, दैट मीन्स कि ये भी बनाएंगे प्रेसिपिटेट। राइट हैंड साइड पे देख लो आप, CO2 निकल गया, AgCl के साथ चला गया या Br के साथ, और दूसरा Cl या Br यहां पर इंसर्ट हो गया। समझ में आ गया, AgCl या AgBr PPT बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर चला गया और दूसरा Cl या Br इथाइल के साथ है तो अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ये प्रोसेस आप आयोडाइड के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर मिलेगा तो सही CH3CH2I, लेकिन ये जो I मिलेगा वो अनरिएक्टेड, क्योंकि प्रोसेस स्लो होती है तो कुछ रिएक्टन भी बाकी बचेगा, तो सोचो यहाँ पर I है और ये कुछ अनरिएक्टेड बाकी बचेगा, तो यहाँ से Ag और यहाँ से I निकल जाएगा तो बनाएगा CH3CH2COOC2H5। ये तो एस्टर बन गया। सो लिखा है दिस प्रोसेस इज नॉट फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल आयोडाइड एज इट फॉर्म्स एस्टर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ I-। वैसे भी AgI की इनसॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है तो उसका फॉर्मेशन बड़ा फास्ट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने बोला था 13 प्रिपरेशन है, अभी तक 6 हुई है। सैंडमेयर, ये टेक्स्ट बुक लेवल की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कंपाउंड है एमिनोबेंजीन या बेंजेनामाइन एंड द मोस्ट पॉपुलर नेम इज, आप सबको पता है, ये एनिलीन है। ये पहला स्टेप एक्चुअली सैंडमेयर नहीं है, ये डाइएजोटाइजेशन है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, जिसके लिए आप NaNO2 और HCl यूज करते हो। NaCl तो निकल जाएगा, नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है। डायजो सॉल्ट बेसिकली अनस्टेबल होता है, सो उनको रखने के लिए टेम्परेचर भी बहुत कम है, 0 to 5। एक और मैं यहाँ पर एडिशनल चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, इसलिए ये डायजो ग्रुप थोड़ा बहुत भी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस कर रही है प्लस एम से। अगर ये अल्काइल पार्ट होता तो अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट तो बिल्कुल स्टेबल ना होते। इनका अनस्टेबल होने का रीजन है ये एन डबल बॉन्ड एन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज द बेस्ट एवर लिविंग ग्रुप, सो इसका निकलने का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ से निकलने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल जिक्र करेंगे अमाइन चैप्टर में।
अब ये कंपाउंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो अब हर चैप्टर में आएगा, BDC, बेंजीन डी डाइजोनियम सिक्लोराइड। ठीक है, देखो NNO2 प्लस HCl लिया तो Cl आया, सल्फ्यूरिक लोगे तो भी चलेगा, HSO4 माइनस आएगा। ठीक है, सो हमें तो ये इसका काम है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बोला जाता है। यहाँ से चालू होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट क्यूप्रस क्लोराइड HCl, Cu2Cl2, क्यूप्रस है प्लस वन है, सो बी वेरी केयरफुल, CuCl2 मत लिख देना, गलती करके आ जाता है, जीरो मार्क्स मिलेंगे और कोई मतलब नहीं है इसका, बिकॉज मैकेनिज्म रेडिकल से चलती है, क्यूप्रस क्यूप्रिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हमें काम की नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। क्यूप्रस क्लोराइड HCl, आप चाहो तो इसको CuCl भी लिख सकते हो, चलेगा, एक ही बात है। ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड HCl करोगे तो क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड HBr करोगे तो ब्रोमोबेंजीन, थोड़ा भी छेड़ोगे तो नाइट्रोजन तो निकलने ही वाला था जो निकल गया यहाँ पर। ओके, चलो अगली प्रिपरेशन नंबर 8, ये बहुत रिजेंबल करती है सैंडमेयर से, ये भी टेक्स्ट बुक लेवल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका नाम है गेटरमैन। रिमेंबर गेटरमैन पूरे ऑर्गेनिक में 4 से 5 बार आएगा। ठीक है, जितने भी गेटरमैन से मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा लास्ट में, अभी पहला गेटरमैन है आपके सामने हैलाइड की प्रिपरेशन का, सबस्ट्रेट वही है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड HCl की जगह पे कॉपर HCl तो क्लोरोबेंजीन, और कॉपर HBr तो ब्रोमोबेंजीन, तो बहुत रिजेंबल करता है। देख लो आप, इनिशियल और फाइनल सेम है, HCl भी है, HBr भी है, Cu2Cl2 की जगह पे कॉपर है, दैट्स इट, और हीटिंग चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलो प्रिपरेशन नंबर 9th, ये आयोडोबेंजीन के लिए है, बहुत आसान है बनाना, BDC ले लो और उसको हीट करो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KCl आई माइनस आ जाएगा, N2 तो निकलने ही वाला है, पक्की बात है, BDC को छेड़ोगे तो N2 तो निकलेगा ही निकलेगा, 100% बात है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं प्रिपरेशन नंबर 10, ये है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म के अंदर पूरा मैकेनिज्म डिटेल के अंदर हमने देख लिया है। बेंजीन का हेलोजिनेशन लुइस एसिड FeCl3, मैकेनिज्म प्लीज देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो H और Cl निकल गए और दूसरा Cl प्लस इंसर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। चलो नेक्स्ट इजी था तो ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं, और वैसे भी मैकेनिज्म हमने देख ली। प्रिपरेशन नंबर 11, यह है साइड चेन हेलोजिनेशन, बेंजीन को नहीं छेड़ेगा, मतलब ESR नहीं है, बेंजीन के पास जो अल्काइल होता है उसको सब्स्टिट्यूट करेगा H को, मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, टोल्यूइन लिखा है मैंने, मिथाइल बेंजीन, देखो क्लोरीन लाइट है, लाइट है मतलब रेडिकल से रास्ता चलेगा, देखो H निकल के Cl आ गया, समझ में आ गया, तो ये FRS है। मैंने यहाँ पर समझने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक और चीज़ भी बताई है, कि अगर मैं इसका Cl2FeCl3 करता ना, तो FeCl3 तो लुइस एसिड है, मतलब ये ऊपर वाली प्रोसेस चलेगी नंबर 10 ESR, और ESR बेंजीन के ऊपर होता है, ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच्ड है, आपको पता है कि ये कौन सा ग्रुप है, प्लस M है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, सो आने वाला Cl ऑर्थो पैरा पे जाएगा, समझ में आ गया आपको। अगर मुझे Cl को मेटा पे लेके जाना होता तो मैं आपको यहाँ पर साइड पे एक प्रोसेस बता देता हूँ जो आपके लिए काम की है, कि मानो मेरे पास टोल्यूइन है, मैं अगर इसका 3Cl2 करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS, 3H निकल के 3Cl, अब ये CCl3 जो है वो CH3 की तरह प्लस M नहीं है बल्कि माइनस M है, क्योंकि ये करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस फॉर्म में, मतलब देगा, और ये करेगा माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये ले लेगा, तो अब ये क्योंकि माइनस एम है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया, तो अब मैं अगर इसका मानो ब्रोमिनेशन करता हूँ BR2 Fe, तो Fe मतलब लुइस एसिड,
तो अभी जो है ना ये ब्रोमीन जाएगा मेटा पे, क्योंकि हमने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। और मानो मुझे अब CCl3 नहीं चाहिए, मुझे तो CH3 चाहिए, तो मैं इसको रिडक्शन कर देता हूँ जिंक HCl से। ये समझने के लिए था, तो रिडक्शन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट निकल के H आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हो आप मेटा पे लाने के लिए, समझ गए आप। ये मैंने समझने के लिए आपके लिए लिखा है। चलो 12th, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए टेक्स्ट बुक लेवल के रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। इसका नाम है बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन, बाल्ज स्कीमैन। ओके, BDC HBF4, HBF4 H प्लस और BF4 माइनस, BF4 माइनस में BF3 और F माइनस होगा, N2 तो निकलेगा, H और Cl निकल गया, BF3 भी निकल गया और F यहां पर आ गया, ठीक है। और प्रिपरेशन आखिरी रैशिक प्रोसेस बेंजीन से क्लोरोबेंजीन के लिए है, HCl और O2 कैटलिस्ट क्यूप्री क्लोराइड CuCl2 हीटिंग टू क्लोरोबेंजीन बनेगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। सो ऑल 13 प्रिपरेशंस ओवर।